नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ मेरे वीडियो में जो दिखाए जा रहे पौधे हैं ये आप जरूर देख करके पहचान लिए होंगे। इसे कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत आसानी से कपड़े में लटक जाते हैं, इसलिए कई जगह से लटजीरा बोलते हैं। कई जगह से चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत आसानी से ये जो है कपड़े में चटक जाते हैं। और कई जगह इसे अपामार्ग के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम अपामार्ग क्यों पड़ा है, क्योंकि आपने सभी फल को देखे होंगे, सभी वृक्ष को देखे होंगे, सभी वृक्ष के जो फल होता है वो खासकर ऊपर की तरफ होता है, यानी कि उल्टे नहीं होते, लेकिन इसके जो फल होता है, बीज होता है, ये उल्टे होते हैं, यानी कि दुनिया से उल्टे चलते हैं, इसलिए इसका नाम अपामार्ग पड़ा है। कई जगह इसे ओंगा भी कहते हैं। तो करोड़पति को भी करोड़पति बनाने में समर्थवान है यह पौधा आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो को आधे बीच में आप छोड़ करके जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। और आप सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, जंगल में रहने वाले संत महात्मा लोग जब साधना करते हैं तो इसके जो बीज होते हैं, इसके बीज को दूध में पका करके खीर बना लेते हैं, फिर थोड़ी सी मात्रा में, लगभग 50 ग्राम की मात्रा में इसके बीज के खीर का सेवन करते हैं तो बिल्कुल उन्हें भूख और प्यास नहीं लगते, साथ ही लंबे समय तक उनका जो मल मूत्र होता है ये त्याग नहीं होता। यानी कि अगर इसका खीर बना करके खा लिया जाए तो लंबे समय तक आप कोई भी साधना कर सकते हैं। जंगल में रहने वाले हमारे बहुत ही संपर्क के संत महात्मा लोग हैं जो आज भी साधना करते हैं। तो हमारे चैनल का एक ही मकसद है, वही जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कि आम जन तक नहीं पहुंचाए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छी अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। इसके जड़ का अगर तिलक लगाया जाए तो ये वशीकरण का काम करते हैं। बहेड़ा और इसके जड़ का प्रयोग उच्चाटन क्रिया में प्रयोग होता है तंत्र में, ठीक है। तो सफेद कलर की खासकर जो ये अपामार्ग है, ये चिड़चिड़ा है, इसका आपको प्रयोग करना है। इसके जड़ को अगर बांझ औरत को पिला दिया जाए तो कैसा भी बांझ औरत हो, रवि पुष्य योग होना चाहिए, उस समय इसके जड़ को ला करके बांझ औरत को पिला देने से वह गर्भवती हो जाती है, लेकिन ऋतु स्नान के यानी कि मासिक धर्म के 5 दिन बाद पिलाना होता है। अब मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, गोरवचन के साथ इसके जड़ को पीस करके अगर तिलक लगा लिया जाए और अगर आप पूरे सभा में जाते हैं तो पूरे सभा वशीभूत हो जाते हैं, या किसी एक के लिए गोरोचन के साथ घिस करके आप इसके जड़ का तिलक लगाते हैं तो पत्थर हृदय वाला स्त्री भी आपके प्रेम में बंध जाएंगे, दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें नहीं बचा पाएंगे, तो ये तीव्र वशीकरण का काम करते हैं। अब एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, रवि पुष्य नक्षत्र में इसके जड़ का अंजन करने से, यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र में इसके जो जड़ होता है इसका काजल लगाने से जमीन में दबा हुआ धन दिखाई देने लगते हैं। आसपास के जो भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति हैं, देवी देवता सकारात्मक शक्ति हैं, ये सारे सब कुछ दिखाई देने लगते हैं, इतना ज्यादा ये पौधा पावरफुल है। इसलिए तंत्र की दृष्टि से बड़े बड़े जो आयुर्वेदाचार्य हैं, बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, उन्होंने इसे सबसे पहले श्रेणी में रखा है, क्योंकि इसका जो तंत्र का प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। यह नवरात्रि है, दिवाली, किसी भी शुभ मुहूर्त में इसके जड़ ला करके घर की तिजोरी में रखा जाए तो ये पूरे घर को अन्न धन से भर देते हैं, इतना ज्यादा इसके अंदर में समाहित शक्ति होती है। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे लगन के साथ इसके जड़ लाए, अपने घर में, अपनी तिजोरी में रखें, आपके घर परिवार को, आपके पूरे घर को अन्न धन से भर देंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।